रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने के निर्णय पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर ने खुशी जताई। उन्होंने इस भूमि के चयन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनने से देश में सुंदरनगर की एक अलग पहचान होगी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जगह चिन्हित कराई। पहले जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो जगह चिन्हित हुई थी वो पिछले साल जो फ्लैश फ्लड्स हुए उसमें वो जगह बह गई, काफ़ी जगह बह गई थी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले और प्रशासन जगह की तलाश कर रहे थे, तो मैंने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के दो तीन जगहों की जगह के लिए उनको सजेस्ट किया कि ये भी जगह यहाँ उपलब्ध हैं और यदि वो आपके पैमाने पे ठीक बैठती हैं तो सुंदरनगर में ये जगह उपलब्ध है, आप इनके बारे में देखिए। और विभाग ने दो तीन जगह देखने के बाद हमारे फाइनली बलग रोपड़ी के साथ ही गांव जो लगता है उसमें करीब 129 बीघा की जगह गवर्नमेंट जगह को उन्होंने चिन्हित किया और वो उनके उपयोग के लिए ठीक पाई गई। उसके बाद हमने सीएम साहब को ये आग्रह किया कि विभाग ने ये जगह चिन्हित की है और आप विभाग को निर्देश करें कि इस जगह के बारे में फाइनल करें और इस यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ बने। और फाइनली ये अब जगह चिन्हित कर ली गई। मैं सीएम साहब का, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस जगह की अप्रूवल दे दी है और जल्द ही इसकी एफसीए जो प्रक्रिया है आगे वो शुरू होगी और जल्द ही हम इसका यहाँ इस यूनिवर्सिटी का कार्य यहाँ शुरू किया जाएगा। ये सुंदरनगर क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक विशेष उपलब्धि और यहाँ के लिए